देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी है आज की तमाम बड़ी खबरें। सीमांत घाटी का एक ऐसा दुरस्त गांव माना जाता है जिस गांव का नाम भल्ला गांव है, जो भल्ला गांव सुराई थोटा गांव के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि भल्ला गांव जाने के लिए वाहनों से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। कहने को तो यह गांव काफी छोटी आबादी वाला गांव माना जाता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस गांव में एक बाल आंगनबाड़ी केंद्र भी मौजूद है, जिस बाल आंगनबाड़ी केंद्र में मात्र 4 या 5 बच्चे हर दिन पढ़ने के लिए आते हैं। बता दें कि जो बच्चे यहां पर हर दिन पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें इस बाल आंगनबाड़ी केंद्र में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जिस कारण यहां पर पढ़ने वाले सभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आंगनबाड़ी से सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। इसी बाल आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती मीनाक्षी उपाध्याय का कहना है कि उन्हें इस बाल आंगनबाड़ी केंद्र में 17 साल हो चुके हैं और इन 17 सालों के भीतर उन्होंने सरकार के द्वारा दिए गए पौष्टिक आहार गर्भवती महिलाओं के लिए एवं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो भी आता है उसे वह समय समय पर वितरित किया करती हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के देखते रहिए उत्तराखंड खबर।